तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी साइज है बहुत ज्यादा छोटी क्योंकि मैं हूँ एक बेबी क्रिश, पर मैं बनना चाहता हूँ इन क्रिश की तरह। ये हमारे तीन क्रिश है जो कि हमारे फैमिली में पूरे के परिवार में सबसे ज्यादा बड़े क्रिश है। तो आज की वीडियो में मैंने सोच लिया है कि मैं इनकी जगह खड़े होकर दिखाऊंगा। जो ये बीच में क्रिश खड़ा ना, उसकी जगह आज मैं खड़ा हूँ। उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत, और आप भी यार थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम जल्दी जल्दी अपना साइज बढ़ा ले और बन जाए एक खतरनाक क्रिश। बच्चो आज मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ तुम्हारा साइज बढ़ाने में। तुम तीनों बच्चों के बीच में होने वाला है बर्गर कॉम्पिटिशन। हल्का बच्चा, क्रिश का बच्चा और सोनिक का बच्चा, जो भी सबसे ज्यादा बर्गर खाएगा वो ये चैलेंज जीतेगा और उसको मौका मिलेगा अपनी साइज बढ़ाने का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। मैं तो सारे के सारे बर्गर खा जाऊंगा, एक भी बर्गर नहीं छोड़ूंगा। नौम, 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 नौम। ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। नौम, 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 नौम। मैं भी फटाफट से बर्गर खाना शुरू करता हूँ, इस चैलेंज को तो मुझे जीतना पड़ेगा। हम जम जम जम। अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बर्गर है, लगता है मुझे भी खाना शुरू करना चाहिए। चलो चलो फटाफट से सारे के सारे बर्गर खा लेता हूँ। गाइस क्या आपको बर्गर खाना पसंद है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। अगर आपको पसंद है तो आपको बर्गर कभी नहीं मिलने वाला। अगर आपने अभी के भी जाके वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बर्गर कभी नहीं मिलेगा। और सोनिक तो बेहोश हो चुका है और हल्क ने तो लगभग उसके सारे के सारे बर्गर खा लिए। तो फटाफट से मैं भी अपने सारे के सारे बर्गर खा ले तो सारे के सारे बर्गर खा लूंगा ताकि इस चैलेंज को मैं भी जीत सकूं। फटाफट से खा लेते सारे के सारे बर्गर। और ये क्या, हल्क और मैं तो बहुत ज्यादा मोटे हो गए। अरे ये क्या हो गया, मुझे तो खतरनाक बनना था, मैं तो मोटा हो गया। अरे ये कौन सा चैलेंज करा दिया तुमने हमको? बच्चों टेंशन मत लो, ये तुम्हारा पहला चैलेंज था। अब तुम हो चुके बहुत ज्यादा मोटे, अब तुमको बनना है पतला और खतरनाक। जो भी पतला और खतरनाक बन पाएगा यानी वो ही बन सकता है सबसे खतरनाक जायंट क्रिश या जायंट हल्क। तो जाओ अपने अगले चैलेंज। इसकी बात तो सही है, अगर मैं इतना ज्यादा मोटा हो गया और अगर मैं पतला हो जाऊं यानी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फटाफट से चलते हैं अपने अगले चैलेंज। बच्चों तुम सबका स्वागत है हमारी इस खतरनाक वाले रेस में। इस रेस में आपको एक पूरे ग्राउंड का चक्कर काटना है और जो भी ये रेस जीतेगा उसको मिलेगी ये दवाइयां। ये दवाइयां है बहुत खतरनाक, आपकी साइज बढ़ा देगी बहुत ही खतरनाक। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते। 1, 2, 3 गो। भागो भागो। तो गाइस मुझे यार ये वाली रेस कैसे भी करके जीतनी पड़ेगी। हल्क मेरे पीछे भाग रहा है और मिस्टर बीन भी मेरे पीछे भाग रहे, मुझे कैसे भी करके रेस जीतनी पड़ेगी। ये इनको फटाफट से मैंने यार उलझा दिया, अभी फटाफट से फुल स्पीड में भागते हैं। अगर गाइस आप चाहते हो कि ये वाली रेस में जीत जाओ तो फटाफट से जाके कमेंट कर दो, क्रिश ओपी यू कैन विन दिस रेस। फटाफट से जाके कमेंट कर देना। और यार देख सकते हो मैं कितनी ज्यादा तेज भाग रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा थक गया क्योंकि मैं इतना ज्यादा मोटा हूं तो मैं ढंग से भाग भी नहीं पा रहा। पर ये रेस तो मैं जीतूंगा, पूरा दम लगा दूंगा। भागो 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 भागो। और ये रेस मैं जीत गया। तुम जीत चुके हो ये वाली रेस, आओ ये सारे की सारी दवाइयां खा लो। क्या दवाइयां खानी पड़ेगी? अरे कड़वी तो नहीं ना? अरे अगर तुमको अपनी साइज बढ़ानी है तो खानी तो पड़ेगी। अच्छा ठीक है खा लेता हूँ। तो गाइस फटाफट से ये दवाइयां खा लेते हैं, इसको फटाफट से उठाते हैं और खाते हैं। अरे बहुत ज्यादा कड़वी है ये तो, अरे ये तो बहुत ज्यादा कड़वी है। गाइस ये सिर्फ मैं ही हूँ कि जिसको दवाइयां बहुत ज्यादा कड़वी लगती है, या आप सबको भी यार दवाइयां कड़वी लगती है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और ये क्या, मैं बन चुका हूँ 3-हेड क्रिश, ये तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस फ्लाइंग जेट के बच्चे को मैं आज मारने वाला हूँ, अगर इसका कोई घर परिवार वाला देख रहा है तो इसको बचा लो वरना ये तो आज खत्म हो जाएगा। गाइस फ्लाइंग जेट एक इंडियन सुपर हीरो है और मैं भी एक इंडियन सुपर हीरो, तो मुझे यार फ्लाइंग जेट को बचाना पड़ेगा। तो फटाफट से जाके कमेंट में लिख दो इंडियन सुपर हीरो ओपी। अगर आपको और कोई सुपर हीरो पसंद है तो फटाफट जाके उसका नाम लिख के ओपी लिख दो, मुझे तो सिर्फ इंडियन सुपर हीरो पसंद है। तो गाइस अभी ये हल्का बच्चा आ चुका है। नहीं ये तो वेनम है। अरे नहीं ये तो हल्क है। मैं हूँ वेनम। ओए नहीं मैं हूँ हल्क। अरे ये क्या, ये दोनों कैसे बोल रहे हैं? ओए हम एक दूसरे के अंदर हैं। हाँ हम एक दूसरे के अंदर हैं, एक जिस्म दो जान। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों जानों को मारूंगा। तो गाइस यहाँ पे पहले तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खड़ी है, इनके पास सबके पास गन है, तो इन सबको भी मुझे मारना पड़ेगा। और ये हल्क वेनम का जो मिक्सचर है इसको भी मारना पड़ेगा। अबे निकल ना यहाँ से, क्या भागे जा रहे हैं? ओए हमको जानता नहीं है तू, हम बहुत खतरनाक है। और तू मेरे को नहीं जानता कि इंडियन सुपर हीरो तुमसे भी खतरनाक है। तो गाइस आप बता दो हल्क वेनम ज्यादा खतरनाक है या फिर फ्लाइंग जेट और क्रिश ज्यादा खतरनाक है? तो गाइस इन सबको अभी मैंने यहाँ पे पेल दिया, फटाफट से फ्लाइंग जेट को बचाते। अभी तो फिर से खड़ा हो गया, निकल ना यहाँ से, ये निकल।
छोटी बच्ची हो क्या, तुमने मेरी मदद करी, आज तो मजा आ गया, ये लो दवाई खाओ। क्या फिर से दवाई? अरे खाओ खाओ, इससे तुम्हारी साइज बढ़ेगी। अच्छा ठीक है खा लेता हूँ। तो गाइस इसने मुझे कोई तो दवाई दी, इसको खाते ही देखते क्या होता है। और ये क्या, मेरे तो पंख निकल आए। अरे गाइस ये तो बहुत खतरनाक है, इस दवाई को खाते ही तो मेरे पंख निकल आए। अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं क्या ही उड़ रहा हूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक वाली दवाई थी। इन पंखों की मदद से तो मैं प्लेन के पीछे भी जा सकता हूँ, देख सकते हो भाई मैं कितना तेज उड़ पा रहा हूँ। इस प्लेन को मैंने नीचे गिरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर से। How are you guys? Today we are going to doing ramp challenge. Who will win? Get very power. Very power. अरे अंकल हिंदी में बात करो, समझ नहीं आ रहा। हम बोलना चाहते हैं कि आज हम कराने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक रैम चैलेंज, जिसमें जो भी जीतेगा उसको मिलने वाला है साइज का अनलिमिटेड मीटर। हम उसको इतनी सारी दवाइयाँ खिलाएंगे कि उसका साइज अनलिमिटेड तक पहुँच जाएगा। क्या फिर से दवाइयाँ? तुमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मेरे को क्या दिक्कत होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या तुमको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे हाँ मैं बोल रहा था कि ये ना बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, थोड़ा इजी कर दो ना। हार्ड बोला, हमारी डिक्शनरी में कोई हार्ड वर्ड है ही नहीं, निकलो यहाँ से। अरे सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, निकल जाओ यहाँ से। तो सबसे पहले जाने वाले हैं हमारे समुंदर हल्क, इनके लिए तालियां हो जाए हमारे कमेंट्स में, जल्दी जाओ। अरे सर मेरा नाम ब्लू हल्क है। अरे समुंदर हल्क जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे सर ठीक है। तो गाइस सर सबसे पहले जाने वाले हैं ये ब्लू हल्क। मुझे पता चला है कि यहाँ के जो यार चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और जो भी जीतता है उनको यार अनलिमिटेड साइज की पावर्स मिल जाती है। तो मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। और ये क्या, ये ब्लू हल्क अपनी गाड़ी तो बहुत ही अच्छी कंट्रोल कर रहा है और ये बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। अरे ये तो जीत भी गया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं जीता, मैंने सोचा वही भाई इतना ईजी था क्या। अब यार आगे बहुत बड़ा चैलेंज अभी बाकी है, और यहाँ से हमको यार अपनी गाड़ियां बदलनी है, इन बाइक्स पर आगे जाना है। तो देखते हैं अब ये ब्लू हल्क जीत पाएगा कि नहीं। आप क्या चाहते हो, कि ब्लू हल्क जीते, कि जोकर हल्क जीते, कि मैं जीतूं यानी क्रिश? तो फटाफट से कमेंट करके बता दो आप क्या चाहते हो, कौन हम में से जीते, और जो भी आप चाहते हो उसका नाम लिख के कमेंट में ओपी लिख देना। और ये क्या, ब्लू हल्क अपनी गाड़ी से गिर गया। और ये क्या, ये तो रैंप से ही गिर गया। तो गाइस सर अभी ब्लू हल्क तो हो चुका है डिस्क्वालीफाई। तो यार ये जोकर हल्क तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके भी यार तीन मुंडे हैं और दो दो बड़े बड़े पंख हैं, और मेरे भी सेम यार तीन मुंडे हैं और दो दो बड़े बड़े पंख हैं। तो देखते हैं अपने ये जोकर हल्क क्या करके दिखाता है। अगर आप जोकर हल्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जाके लिख देना है जोकर हल्क ओपी। और उसने भी ये गाड़ी ले ली है, और ये क्या पंखों से ऊपर से भाई उड़ते उड़ते जा रहा है, क्या ही कंट्रोलिंग कर रहा है। ऐसी कंट्रोलिंग मुझे भी सीखनी पड़ेगी भाई, क्या ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते, इसे तो पूरे के पूरे पंखों को क्रॉस कर लिए। और गाइस यार ये तो बहुत ही अच्छी तरह गाड़ी चला रहा है, क्या ये रैंप चैलेंज जीत जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा। गाइस सर फटाफट से जाके लिख दो जोकर हल्क नॉट ओपी, मतलब नॉट ओपी लिखना, ओपी मत लिखना भाई। ये जीत गया तो मेरा क्या होगा, मुझे वो दवाइयां कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी साइज बढ़ानी है। 99999 मतलब अनलिमिटेड साइज चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे यार इसको हराना पड़ेगा। और ये गिर गया। अरे नहीं, मुझे लगा था यार ये बाइक से गिर जाएगा और सीधा नीचे जाएगा, पर ये नीचे तो नहीं गिरा, बस बाइक से गिरा। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक पड़े, इनके ऊपर से इसने निकाल लिया, और यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो इसको भी बहुत ही इजीली कर जा रहा है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल राइडर लग रहा है, मैं तो यार मेरे को गाड़ी भी ढंग से चलाना नहीं आती है, मतलब उसको गाड़ी को चालू करना भी नहीं आता। और ये अपनी गाड़ी तो उड़ाया जा रहा है, और अभी ये प्लेन्स वाले सेक्शन में पहुंच गया। और ये क्या, अबे इसने हक दिया, और ये तो सीधा सीधा गिर चुका है। तो गाइस सर अब मेरी बारी है, यानी क्रिश की बारी। तो गाइस सर फटाफट से पहले मैं गाड़ी सेलेक्ट करता हूं, कौन सी गाड़ी जाऊं, रुक जाओ इन दोनों में सेलेक्ट करता हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में से जितना धागा, चोर निकल के भागा, राजा की बेटी सो रही थी, फूलों की माला उड़ती, अंग मंग शाह उई माशू। तो गाइस सर अब ये ब्लैक वाली गाड़ी हमने चूज कर ली है, फटाफट से चलते हैं और ये रैंप चैलेंज जीत के दिखाते हैं। आपको तो पता ही क्या करना है, फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जाके लिख दो क्रिश ओपी, क्रिश सबसे खतरनाक। तो गाइस फटाफट से अपन इसको क्रॉस करते, इन पंखों पर टकराना नहीं है बिल्कुल भी, और ये हम आराम से पहुंच चुके हैं, बस हमको ऐसे ही आराम से गाड़ी चलानी है। अरे आराम से ही बोलते, हमारी गाड़ी पूरी अनबैलेंस हो चुकी है, गाड़ी से फटाफट से कूदते और वो गाड़ी तो नीचे चली गई। अगर मैं उस गाड़ी से नहीं कूदता तो अभी मैं डिस्क्वालीफाई होता, पर कोई
बात नहीं, मैंने सही टाइम पे गाड़ी से छलांग मार ली और मैं बच चुका हूँ। फटाफट जिस बाइक के ऊपर बैठते हैं और चलते हैं, यहाँ से अपनी बाइक को कुदा लेते हैं और सामने हमको लैंड करना है, बिल्कुल आराम से गिरना नहीं। और ये हमने लैंड कर लिया। फटाफट से इन ट्रैक्टर के ऊपर से भी चल लेते, जो भी मिट्टी बुलडोजर जो भी इनको बोलते हैं, फटाफट से यहाँ से चलते। और ये जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, क्या ये सही में आड़े देख लेते? अरे अगर ये टायर मेरा बीच में अटका तो मैं पक्का नीचे जाऊंगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और नीचे कितनी बड़ी हाइट है, अगर मैं नीचे गिरा तो मुझे लगता नहीं मैं जिंदा ही बच पाऊंगा। तो कहते फटाफट से चल लेते यहाँ से, इस टायर के बीच में से अपनी बाइक को निकालते फुल स्पीड में, और अभी हम यहाँ पे भी आ चुके हैं। तो कहे सर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही करता रहे तो हम आराम से जीत जाएंगे। अभी तक हमने जोकर हाल को तो पीछे नहीं छोड़ा, बस हम पहुंचने वाले सामने जोकर हाल गिरा था। मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जोकर हाल गिर गया था, मुझे नहीं गिरना है। और कहे सर यहाँ पे अभी हम सक्सेसफुली पहुंच चुके, तो सबसे आगे तो अभी हम पहुंच चुके, बस हमें यार इस चैलेंज को कंप्लीट करना है, फिर हमें मिल जाएगी सारी की सारी दवाइयां जिससे हम अपना साइज बढ़ा पाएंगे, और फिर हमारे हो जाएंगे मजे, और मैं सबसे खतरनाक क्रिश बन जाऊंगा। तो गाइस यार फटाफट से चलते, सामने यार सिर्फ एक और प्लेन बचा है, और ये वाला प्लेन भी मैंने क्रॉस कर लिया, अब आखिरी जंप बचा है। तो गाइस यार इस रैंप के बाद अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया तो हम जीत जाएंगे। तो बिना देरी के अपनी गाड़ी को फुल बूस्ट देते हैं और यहाँ से कुदा लेते हैं, और क्या मैं जीत पाऊंगा। और ये बाइक तो बहुत आगे जा रही है, फटाफट से कूद जाते हैं और वो बाइक गई सीधा नीचे, और ये क्या मैं तो जीत गया, और गाइस यार ये मैं जीत चुका हूँ। बच्चों बजाओ ताली, आ गया क्रिश कमाली। है क्या बोल रहे? अरे नहीं नहीं बच्चे, ये लो सारी की सारी दवाइयाँ, खा लो पी लो, इंजेक्शन लगा लो। क्या इंजेक्शन भी है? अरे इसमें तो बहुत हालत खराब होने वाली है, चलो फटाफट से सारी की सारी दवाइयाँ खा लेते और इंजेक्शन लगा लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं पानी में को जा रहा हूँ, मैं हवा में को जा रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये कौन सी गुफा में आ गया मैं, अरे बचाओ, अरे मैं कहाँ से गिरने लग गया, अरे किसने फेंक दिया मुझे, अरे ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बचाओ मेरे को। तो गाइस यार जिस घड़ी का आपको और मुझे इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक गोल्ड क्रिश। मतलब देख सकते हो मेरे तीन तीन सौर है, इतने बड़े बड़े पंखे। अबे ये कहाँ से आ गया? तूने हमको मारा था ना, अब हम भी गॉड हल्क वेनम बन के आए और हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे गाइस यार ये कहाँ से आ गया, रुको पहले इसको मुझे बता दो, मैं ही मैं सबसे बड़ा क्रिश हूँ, मैं देखो नहीं छोड़ूंगा। जब हम दोनों छोटे छोटे थे ना तभी भी मैं जीता था, और अब तो हम दोनों बड़े बड़े हो गए तो भी मैं ही जीतूंगा। तो गाइस यार आपको याद होगा कि हम फ्लाइंग जेट को बचाने गए थे, तो वहां पे हमें ये हल्क वेनम मिले थे, इनको हमने बहुत ही बड़ा धोबियों की तरह धोया था, बहुत ही बुरा धो दिया था, अभी लगता है इसको वापस से पिटने का मन हो रहा है। तो गाइस यार इसको फटाफट से बताते हैं। ओए इस बार तू पिटेगा तू। अरे ये तो सही में मार रहा है। गाइस आपसे मैं बात यार 2 मिनट बात कर रहा हूं, पहले थोड़ा इससे पिट लेते हैं, मतलब पिट नहीं लेते, इसको पीट लेते हैं। तो गाइस इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये देखो मेरे कैसे पीछे पीछे आ रहा है, अब ये फंस गया मेरे जाल में, ये ले। ओए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये देख मेरी नई नई शक्तियां, क्योंकि मैं बन गया हूं सबसे खतरनाक वाला क्रिश, तो मेरे को मिल चुकी है बहुत तगड़ी तगड़ी शक्तियां जिससे मैं इस हल्क वेनम को आराम से हरा दूंगा। इधर इधर इसको बता दो, ये बूम। अरे तो गाइस यार अभी हमने इसको बेहोश कर दिया, यानी हम यार ये जीत चुके हैं ये वाली लड़ाई को, और हमने को तो पता ही था हम ही जीतने वाले, क्योंकि हम हैं सबसे खतरनाक क्रिश। तो गाइस यार मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं यार इधर खड़ा होकर दिखाऊंगा, और मैं खड़ा हो चुका हूं हमारे सबसे खतरनाक क्रिश के बीच में, क्योंकि मैं बन चुका हूं सबसे खतरनाक वाला क्रिश। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से जाके कमेंट में बता दो, और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जाना फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।